हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आपके लिए लाया हूं राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में आज हम लोग बात करेंगे, इसका 11वां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना, राम के ईश्वरीय रूप के स्थान पर उनके मानवीय रूप की स्थापना करना है, इसका उद्देश्य क्या है। मान लीजिए प्रश्न और भी रूप में पूछ सकता है, राम की शक्ति पूजा के मूल संवेदना राम के ईश्वरीय रूप के स्थान पर मानवीय रूप है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो निश्चित रूप से हम लोग इसकी बात करेंगे आज, राम की शक्ति पूजा की। तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना, राम के ईश्वरीय रूप के स्थान पर मानवीय रूप, तीन पार्ट इसके क्वेश्चन के बन रहे हैं। पहला क्या है, राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना, फिर राम के ईश्वरीय रूप, फिर उसके स्थान पर राम के मानवीय रूप। ये जो है इस तरह से तीन खंड क्वेश्चन के बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसकी भूमिका क्या है, क्या है भूमिका, भूमिका क्या कह रही है इसकी, उसकी बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों में एक यह भी है कि इसमें निराला ने पौराणिक ईश्वरी राम का मानवीकरण किया है। अगर बात करें किसी प्रश्न को लिखने के पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है, तो निराला भूमिका में ये कहते हैं कि अगर आप भगवान श्री राम एक पौराणिक ईश्वर हैं, किंतु उनके स्थान पर निराला ने उनके मानवीय स्वरूप को प्रदर्शित किया है, इसमें क्या किया है, उनके मानवीय रूप को प्रदर्शित किया है, तो ये सबसे बड़ी चीज है इसकी। दूसरी यह है, वस्तुतः यह मध्यकाल से आधुनिक काल के संक्रमण का स्वाभाविक परिणाम है। आप जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जो है मध्यकाल में कर रहे हैं, जबकि निराला जी आधुनिक भारत में खड़े होकर के राम की शक्ति पूजा की रचना कर रहे हैं। तो संवेदनाओं में कुछ डिफरेंट इस तरह का हो रहा है कि ईश्वर या तो अनुपस्थित होने लगे या फिर वह ज्यादा से ज्यादा मानवीय होते जाएं। हिंदी साहित्य में यह प्रक्रिया निराला से काफी पहले ही शुरू हो गई थी, जिसके ठोस संकेत मैथिली शरण गुप्त के काव्य में दिखते हैं, जब ये प्रश्न उठाते हैं कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। जब साकेत में मैथिली शरण गुप्त जो है राम को बोलते हैं कि तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, प्रश्न पूछते हैं कि हे राम तुम मानव हो या मनुष्य हो, इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। यह इनकी उनके राम भी स्पष्ट उत्तर देते हुए कहते हैं कि संदेश यहां मैं नहीं, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। भगवान श्री राम कहते हैं संदेश मैं स्वर्ग से नहीं लाया हूं, बल्कि भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूं। भूतल को क्या बनाने आया हूं, स्वर्ग बनाने आया हूं। यह बात जो है मैथिली शरण गुप्त के काव्य साकेत में देखने को मिल रही है। यही प्रक्रिया राम की शक्ति पूजा में आगे बढ़ी और राम लगभग पूरी तरह मानव हो गए हैं। और जब राम की शक्ति पूजा में देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जो है निराला ने राम को पूर्णतः मैथिली शरण गुप्त से विभिन्न, अभी राम द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त जब राम के बारे में लिख रहे हैं, राम न तो ईश्वरीय रूप में है और न ही जो है वो किस रूप में है, मानवीय रूप में है। लेकिन निराला जब द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग में लिख रहे हैं, वहां पर जो है राम पूरी तरह मानव हो चुके हैं। थोड़ा और आगे देखें तो नई कविता में राम नरेश मेहता और धर्मवीर भारती ने इस प्रक्रिया को और पूर्णता के बिंदु तक पहुंचाया।
क्योंकि संशय की एक रात के राम तथा अंधा युग के एक कृष्ण में ईश्वरत्व का पूर्ण निषेध हो गया है। संशय की एक रात अंधा युग दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें राम और इसमें कृष्ण के ईश्वरत्व का पूर्णतः क्या हो जाता है, विनष्टीकरण हो जाता है। मतलब राम में मानवीय संवेदनाएं पूर्णतः समाप्त दिखाई देती हैं, वो मतलब ईश्वरत्व नहीं दिखाई देता, केवल उसमें रामत्व मतलब केवल मानवीकृत मानवत्व ही दिखाई देता है। राम की शक्ति पूजा में राम का मानवीकरण किस प्रकार हुआ है, तो अगर बात करें राम में कई ऐसी मानव सुलभ कमजोरियां दिखाई गई हैं जो ईश्वर की धारणा से असंगत हैं, जैसे संशय, पराजय की भावना, विकलता, असामर्थ बोध इत्यादि। आप जैसा कि जानते हैं रावण से युद्ध करते करते राम अब पराजय होने का स्वप्न देखने लगते हैं कि मैं पराजित ना हो जाऊं, संदेह व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण मूर्छित है और लक्ष्मण की मूर्छा को देखकर राम जो है यह समझने लगते हैं कि जो है अब लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, रोने लगते। इस तरह का जो प्रश्नोत्तर देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाओं से क्या है, अलग है। यही हमें मानवीयता की ओर राम को सिद्ध करता है कि वह बताता है कि राम निश्चित रूप से मनुष्य हैं। स्थित राघवेंद्र को हिलाकर जो है जो राम है राघवेंद्र है राम को राघवेंद्र कहा गया है राम को क्या करती है, हिला देती है। और वे क्या करते हैं, रुदन करने लगते। रोता कौन है, मनुष्य रोता है, भगवान राम भी रुदन कर रहे हैं। रुदन भी मानवीय भावुकता की परचम स्थिति है। अगर बात करें तो रुदन भी मानवीय भावुकता की क्या है, चरम स्थिति है। उससे अच्छी स्थिति कोई नहीं हो सकती। इन स्थितियों पर राम सीधे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ईश्वर रो नहीं सकता क्योंकि उसमें शक्तिहीनता और चरम भावुकता की उन स्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता जिनसे मनुष्य गुजरता है। आपको बता दें ईश्वर रोता नहीं क्योंकि ईश्वर क्या है, मानवीय संवेदनाओं से ऊपर है। वह जानता है कि यह क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या है, निश्चित रूप से पता होता है। इसलिए वह मनुष्य की अन्य संवेदनाओं से क्या होता है, ऊपर होता है, उसे रोना नहीं आता है। लेकिन अगर देखा जाए श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा लेकर रो रहे हैं, राम विलाप कर रहे हैं, तो ये क्या है, सभी मानवीय संवेदनाएं हैं, ईश्वरीय संवेदनाएं नहीं हैं। तो यह निश्चित रूप से राम वहां पर किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। शक्ति की पूजा, शक्ति के राम अतीत के सुंदर स्मृतियों से ऊर्जा प्राप्त करते हुए दिखते हैं, जो कि मानवीय मनोविज्ञान का लक्षण है। जब सीता खो जाती हैं, उनका हरण हो जाता है, उस स्थिति में जब लक्ष्मण और राम एक जगह एकत्र होते हैं, वर्षा हो रही है, वर्षा की स्थिति को देखकर राम कहते हैं बादलों के बीच में जिस तरह से यह बिजली कांप रही है, छटपटा रही है, उसी तरह से इस मतलब सीता भी क्या हो रही है, इस समय डर रही, शत्रुओं के बीच में डर रही होगी। इस तरह की संवेदनाएं मानवीय संवेदना ही है। ईश्वर को न तो ऐसी ऊर्जा की जरूरत होती है और न ही उसके स्तर पर काल और का विभाजन भूत वर्तमान और भविष्य के रूप में होता है, बल्कि उसका प्रत्येक क्षण एक साथ वर्तमान और सर्वकालिक होता है।
मतवा ईश्वर के लिए न तो भूत होता है न वर्तमान होता है, सभी कार्य उसके लिए एक बराबर होते हैं। यही कारण है कि ईश्वर सदैव प्रसन्न, देवत्व में सभी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होते हैं, जबकि मनत मानवत्व में सभी लोग हमेशा प्रसन्न नहीं होंगे। शक्ति पूजा के राम आत्मधिक्कार की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आत्मधिक्कार का कारण है कि वे नैतिक व्यवस्था पर चलते रहे किंतु अंततः पराजित हुए। ईश्वर नैतिक नियमों का निर्माता है, इसलिए उस व्यवस्था से वह स्वतंत्र है। ईश्वर क्या है? नैतिक नियमों का निर्माता है, इसीलिए वह नैतिकता से क्या है? स्वतंत्र है। नैतिकता से वह परे है, अर्थात वह नैतिकता को भूलकर अपने कार्यों को करता है। लेकिन मनुष्य के लिए नैतिकता बहुत जरूरी होती है, वह नैतिकता के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है। वह हार और जीत से भी परे है, क्योंकि जगत में होने वाली प्रत्येक हार जीत उसी के द्वारा निर्धारित है। ईश्वर के द्वारा ही संसार में होने वाले हार और जीत उसी पर निर्भर है, और उसके बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। और मनुष्य के लिए हार जीत तो एक क्या है? एक समय है, एक परिवर्तन है, एक क्रांति है। अंततः अतः राम का आत्मधिक्कार उन्हें मानव होने की घोषणा करा देता है। वास्तव में मानव आत्मधिक्कार राम का ही उसे मानव बना देता है। क्या बना देता है? मानव बना देता है, क्योंकि मानव बिना धिक्कार के अपना जीवन नहीं जी पाता। धिक जीवन धिक्कार है जीवन को। राम दुर्गा की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि एक मनुष्य जो है देवता की पूजा करता है, और देवता से अपने अनिष्ट से बचने और अभिष्ट की प्राप्ति, देव पूजा के दो ही अर्थ होते हैं, या तो उद्देश्य होते हैं, या तो वह जो है अभिष्ट की प्राप्ति और दूसरा अनिष्ट से बचने की इच्छा, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही जो है क्या होता है, एक जो है पूजा की जाती है। एक साधारण तर्क यह भी है कि यदि वे ईश्वर होते तो उन्हें ईश्वर की साधना क्यों करनी पड़ती? अगर भगवान राम स्वयं ईश्वर होते तो उन्हें ईश्वर की साधना क्यों करनी पड़ती? यह निश्चित रूप से एक अलग नियम है। यदि वे विष्णु होते तो उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्तर क्यों पार करना पड़ता? आपको बता दें, भगवान श्री राम शिव की पूजा कर रहे हैं, स्वयं विष्णु की पूजा कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा की कल्पना कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से क्या है? एक जो है कल्पना है। क्रम से पार हुए राम के तो निश्चित रूप से राम जो है मानवीय संवेदनाओं के साथ जीवन जी रहे हैं। निष्कर्षता यह सही है कि राम की शक्ति पूजा की एक विशेषता ईश्वरीय राम को मानव रूप में प्रतिष्ठित करना है, किंतु इसे कविता की मूल या केंद्रीय संवेदना कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कविता कई अन्य महत्वपूर्ण संदर्भों को धारण करती है। कविता जो है कई अन्य महत्वपूर्ण मतलब उसको क्या करती है, संवेदनाओं को धारण करती है। इसलिए राम मनुष्य नहीं, बल्कि राम क्या है? मानव है। मानव रूप में निश्चित रूप से निराला ने राम को मानव के रूप में प्रेरित करने का पूरा कार्य किया है। अगला प्रश्न है आपका, राम की शक्ति पूजा की भाषा शैली या वस्तु योजना या शिल्प विधान। राम की शक्ति पूजा महाकवि निराला की काव्यात्मक औदात्त से मुक्त युक्त प्रबंध शिल्प का आभास देने वाली एक लंबी कथनात्मक कविता मानी जाती है। इसमें निराला ने वस्तु के धरातल पर जहां एक ओर
उत्तर भारतीय रामकथा में राम की सत्य पूजा के नए तत्वों का सन्निवेश करते हुए समसामयिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कवि के आत्मसंघर्ष तथा सत्य असत्य, धर्म अधर्म एवं न्याय अन्याय के बीच शाश्वत समस्या को अव्यक्त किया है। वहीं दूसरी वरीयर कविता भाषिक संरचना और शिल्प विधान के स्तर पर भी सर्वथा मौलिक और सर्जनात्मक प्रयोग है। निराला पर आरोप लगाए जाते थे कि वे मुक्त छंद का समर्थन करते हैं। निराला पर ऐसा बहुत ही आरोप लगाया गया कि वे मुक्त छंद का समर्थन करते हैं, यह सत्य है। निराला ने ही हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रयोग किया। निराला पर आरोप लगाए जाते थे कि मुक्त छंद का समर्थन इसलिए करते हैं कि वे गीत रचना और प्रबंध शिल्प में रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। राम की सत्य पूजा का रचनात्मक उद्देश्य यद्यपि बृहत संबंधों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं समकालीन साहित्यिक समाज द्वारा प्रस्तुत की गई यह चुनौती भी निराला की मौलिक चेतना में रही है। निश्चय ही राम की शक्ति पूजा का शिल्प विधान, भाषिक संरचना तथा काव्यात्मक अभिव्यक्ति तथा क्लासिकल रचना का अनूठा साक्ष्य है। इसके महत्व को अधिकांश समीक्षकों एवं अध्येताओं ने स्वीकार किया है। राम की शक्ति पूजा के शिल्प विधान एवं उसकी भाषा शैली का निर्माण निराला ने अत्यंत सजगता और तैयारी के साथ किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस कला को निराला की स्थापत्य कला की संज्ञा दी है और उनके अनुसार रचना लिखने के पूर्व निराला के मस्तिष्क में अपनी कविता का एक नक्शा अवश्य रहा होगा। यही नक्शा वास्तव में राम की शक्ति पूजा का शिल्प है और इसी मानचित्र को निराला ने क्या बना दिया। यही नक्शा वास्तव में राम की शक्ति पूजा का शिल्प विधान है, जो ऊपर से न दिखाई देते हुए हुए कविता पाठ के क्रम में पाठक के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से उभरता जाता है। निराला ने राम की शक्ति पूजा के शिल्प विधान को लेकर अत्यधिक सजग हैं। यहां हम देखते हैं कि वे इस कविता की वस्तु योजना निराला ने आधुनिक को लेकर अत्यधिक सजग हैं और हिंदी कविता के समक्ष विशेषकर उपन्यासों के द्वारा लाई गई विवरणात्मकता से मुक्त की चुनौती का सामना करते हुए किया है। वास्तव में आधुनिक कविता विवरणात्मक से मुक्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि विवरण की आवश्यकता को गद्य ने काव्य की अपेक्षा अधिक गहराई और अप्रामाणिकता के साथ पूरा किया था। हिंदी कविता में यह चुनौती प्रथम बार 1935 में प्रसाद जी अनुभव करते हैं। द्वितीय बार महाकवि निराला 1936 में राम की शक्ति पूजा में और गहराई से अनुभव करते हैं। इसीलिए वे राम कथा के एक छोटे से अंश को वस्तु का आधार मानते हैं। इसमें भी वे स्थान स्थान पर विवरणात्मक अंशों से बचने की पूरी चेष्टा करते हैं। कविता का आरंभ सूर्यास्त से लेख करते हैं और शिल्पगत कुशलता के द्वारा उलटकर संपूर्ण दिन भर के युद्ध का वर्णन कर देते हैं। इसी तरह कविता के अनेक अंशों को अत्यंत तेजी से आगे बढ़ा देते हैं, जहां उन्हें
विवरणात्मकता दुर्बलता बनती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए शक्ति पूजा का निश्चय हो जाने पर राम की सेना के सभी सदस्य रात्रि शयन के लिए चले जाते हैं। निराला ने कथा के एक बड़े अंश को तो कविता में बिना लगाए हुए अप्रत्यक्ष रूप से संकेतित कर दिया है, जिससे हनुमान का देवी दह जाना, जाकर नीलकमल लाना, पुनः युद्ध का आरंभ जैसे घटनाक्रम। यहां पर कविता की ये पंक्तियां कविता के एक लंबे अंतराल को समेट लेती हैं। निसी हुई विगत, निसी माने निसी हुई विगत, निसी माने रात, रात क्या हो गई है, बीत गई है। इसी तरह शक्ति की आराधना करते हुए निराला राम के एक दिन की आराधना को पंक्ति में व्यक्त करते हैं। बिता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, बिता वह दिवस मन हुआ स्थिर इष्ट के चरण। इसी तरह अगले ही अंश में 5 दिनों के घटनाक्रमों को एक पंक्ति में पार कर देते हैं। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस इन सभी संदर्भों में महाकवि निराला आधुनिक गद्य के द्वारा लाई गई विवरणात्मकता से मुक्त की साधना करते हैं और साथ ही कविता के अत्यंत सघन प्रभावात्मकता बना देते हैं। राम की शक्ति पूजा की वस्तु योजना निश्चय ही इसके शिल्प विधान का एक उल्लेखनीय वैशिष्ट है, जिसमें वस्तुत्व के अंतर्गत उन्हीं अंशों को लेते हैं जो कविता के कलात्मक सघनता और गरिमा में लेने में सफल होते हैं। आरंभ से अंत तक कविता की संरचना ऊपर से पर्याप्त सहज एवं सरल दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर पर्याप्त जटिल है। यहां पर स्थापत्य कला के अंतर्गत कथा वस्तु का सुनिश्चित विन्यास है, जिसमें स्वतः एक क्रम स्पष्ट होता है। इसीलिए कथा वस्तु में विकास में युद्ध वर्णन, युद्ध विराम, खिन्नता, उदासी, निर्णय अनिर्णय के द्वंद्व के क्षण, हनुमान की उत्तेजना, महादुर्गा की उपासना का उपदेश और साधना का क्षण कविता के कथात्मक विकास को स्पष्ट करता है। निराला ने कविता के इस वस्तु तत्व को छोटे बड़े कुल 15 अंशों में विभाजित किया गया है। इसके लिए उन्होंने 2 पंक्तियां मध्य प्राप्त करने वाले सामान्य अंतराल से अधिक अंतराल रखने की पद्धति का कुशल प्रयोग किया है। इनके परिणाम स्वरूप राम की शक्ति पूजा की वस्तु योजना अत्यंत सघन और प्रभावशाली बनती है। शिल्प रचना के अंतर्गत निराला ने यह कुशलता दिखाई है। राम की शक्ति पूजा की कथात्मक गरिमा कलात्मक सिद्धि का एक अत्यंत उल्लेखनीय पक्ष इसकी भाषिक संरचना और शैलीगत प्रयोग है। इसमें निराला ने भाषा के वैविध्य पूर्ण प्रयोग का सर्जनात्मक साक्ष्य देते हुए विभिन्न शैलियों के द्वारा कविता के वस्तु तत्व की सघन अभिव्यक्ति दी है। भाषिक संरचना के स्तर पर इसमें सामान्यतः तत्सम प्रधान सामायिक पदावली का प्रयोग सामासिक पदावली का प्रयोग हुआ है। यद्यपि निराला ने संस्कृत तत्सम शब्दों को हिंदी की जातीय परंपरा के अनुरूप ढाल का प्रयोग किया है, इसीलिए भाषा के अनेक रूप इस कविता में प्राप्त होते हैं। सामान्यतः निराला
भावानुसारी भाषा का समर्थन करते हुए इनके अनुरूप भाषानुसारी भाषा क्लिष्ट होने पर भी समझ में आ जाती है। उसके शब्द कोश देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए आप जान रहे निराला की भाषा इतनी सरल है, उसके लिए शब्दकोश देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी भावानुसारी भाषा के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यहां पर कविता में कठोर भाव आते हैं, वहां भाषा का तत्सम प्रधान मूर्धन्य और महाप्राण ध्वनियों से मुक्त सामासिक प्रयोग है। इसके सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण कविता का आरंभिक युद्ध वर्णन का अंश है और साथ ही हनुमान की उत्तेजना के क्षण में भी भाषा का कठोर रूप मिलता है। भाषा का कठोर रूप जो है उत्तेजना में मिलता है। आरंभ की 18 पंक्तियों का पहला अंश युद्ध वर्णन का सामान्य विवरण देता है, जिसमें तीनों सेनाओं के द्वारा तीक्ष्ण बाणों का तीव्र से प्रहार, प्रत्येक पल व्यूह रचना का बदला बदलना, भयंकर आकाश गर्जन, रुद्ध कपियों का भयानक हुह, राम का क्रोधित होना, उद्वलित लंका पतिका बानरी सेना का भयानक विनाश आदि वर्णित है। यह निश्चय ही भाषा का तांडव नृत्य है, इसे जो है भाषा का तांडव नृत्य कहा जा सकता है, जो जहां एक ओर युद्ध के सामान्य विवरणात्मक अंश को ढक लेता है, वहीं दूसरी ओर विवरण को जल्दी से जल्दी समाप्त कर के कविता के मूल भाव पर आने का अवकाश देता है। इस दृश्य से कविता की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। प्रतिपल परिवर्तित विरह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युक्रुद्ध कवि विषम धूह, विच्छुरित वही राजीव नयन अर्थात कमल के समान सुंदर नयनों वाले हत छण लक्ष बाण, लोहित लोचन रावण मदन मोचन महियान। लोहित लोचन, लोहित माने लोहे के जंगों के समान लाल आंखें, रावण मदन मोचन महियान। और रावण जो है मदन मोचन, मदन को अर्थात का देव को पराजित करने वाले राम के लक्षण इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला ने भावासारी भाषा का अनुसरण करते हुए जहां पर कोमल भाव आए हैं, वहां पर भाषा के कोमल रूप का प्रमाण भी दिया गया है। इस तरह के संदर्भ जहां वहां मिलते हैं, जहां हताशा निराशा राम के हृदय में सरिता की स्मृति जागती है, यहां पर राम के मन और सीता के पूर्ण जीवन के कोमल प्रसंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का कोमल रूप लाया गया है। ऐसे स्थानों पर सामाजिक पद योजना के साथ ही महाप्राण ध्वनियां भाषा के को औदात्त्य प्रदान करती हैं, तथा कोमल ध्वनियों का प्रयोग उसे मृदुता प्रदान करता है। इसे भाषा का शब्दालस्य कहा जा सकता है, इसका एक उदाहरण है नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। महाकवि
निराला ने राम की शक्ति पूजा में भाव एवं परिस्थिति के अनुरूप भाषा के अनन्य रूपों का साक्ष्य भी दिया है। कुछ स्थानों पर भाषा वातावरण एवं चरित्रों के मनोभाव को मूर्त कर देने के समक्ष हुई है। जहां पर खिन्नता उदासी का क्षण है, वहां भाषा की भी मानो खिन्न एवं उदास है, और जहां पर उल्लास एवं उमंग का उल्लेख है, वहां पर भाषा का भी ऐसा ही रूप बन गया है। उदाहरण के लिए कविता के दूसरे अंश में रावण की सेना का उल्लास तथा राम की सेना की उदासी भाषा के द्वारा मूर्त हो जाती है। बानर विहीन खिन्न लख निज पात चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थबिर दल जो भिन्न। इसी तरह जहां राम की हताशा निराशा की मना स्थिति है, वहां भाषा में भी गहरी निराशा झलकती है। महादुर्गा के प्रकट होने पर भाषा में प्रसाद युग का उदाहरण दृष्टव्य हो जाता है। साधु 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 साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। राम की शक्ति पूजा की भाषा का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि अनेक स्थानों पर निराला ने भाषा का एक ऐसा द्वंद्वमयी प्रयोग किया है कि वह विरुद्धों के सामंजस्य के भाव को मूर्त कर देने में सफल हुई है। निश्चय ही विरुद्धों के सामंजस्य का तत्व पुनर्जागरण कालीन चेतना का एक विशिष्ट अंग है, जिसे निराला ने इस कविता के अनेक अंशों में प्रकट किया है। राम के संशय या निर्णय अनिर्णय के द्वंद द्वारा इस तरह आकार दिया है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। भगवान राम संशय की रात में तड़प रहे हैं, संदेह में हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, मैं युद्ध हार सकता हूं, क्या सीता मुझे नहीं प्राप्त होगी, इस तरह का संशय राम में दिखाई देता है। इसी तरह शिव के समक्ष उपस्थित सृष्टि के विस्फोटक विनाश के कारण उनके भाव एवं द्वंद्वों को भी भाषा इस तरह व्यक्त करती है। शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। राम की शक्ति पूजा की भाषा का एक उल्लेखनीय वैशिष्ट इसकी उदात्तता है। राम की शक्ति पूजा की भाषा की एक उल्लेखनीय वैशिष्ट विशेषता इसकी क्या है, उदात्तता है। निराला को उदात्त या औदात्त का कवि कहा जाता है। निराला को उदात्त एवं औदात्त का कवि कहा जाता है। इस कविता में उदात्त का तत्व निश्चय ही उसे एक गरिमा और ऊंचाई प्रदान करता है। वास्तव में उदात्त रचना का गुण है, जिसे भाव एवं भाषा दोनों ही मिलकर पुष्ट करते हैं। कविता में जिन अनेक स्थानों पर यह उदात्त तत्व मिलता है, उनमें से कुछ दृष्टव्य है। अनिमेष राम विश्व जिदित्व सर्वभंग भाव, भर गए नयन द्वय है आमानिशा, यह है उपाय। राम की शक्ति पूजा का एक विशिष्ट गुण नाद सौंदर्य है भी है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। इस कविता में कई स्थानों पर नाद सौंदर्य का प्रयोग मिलता है। खग खग झक झक लक लक आदि, ये शब्द जो है नाद सौंदर्य है। राम की शक्ति पूजा की काव्य भाषा का एक विशेष गुण बिंब धार्मिकता धर्मिता है। यह बिंब रचना किसी भी
रचनाकार का एक उत्कृष्ट गुण माना जाता है। निराला ने संपूर्ण कविता में बिंबों की सृष्टि करके कविता को सघन एवं प्रभावात्मक बनाया है। अनेक स्थानों पर एकल बिंब है और कुछ स्थानों पर श्लिष्ट बिंब का प्रयोग है। आरंभ में युद्धरत राम का रक्त रंजित बिंब विशेष ध्यान आकर्षित करता है। इस तरह निम्नलिखित पंक्तियों में संश्लिष्ट बिंब के द्वारा राम के मन की गहराई, हताशा, निराशा, अंतर्द्वंद और साथ ही क्षण आशा के भाव को निराला ने अत्यंत कुशलता से व्यक्त किया है। है आमिष उगलता, है आमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रहित अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबु विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। राम की शक्ति पूजा की भाषा में प्रतीकों का अत्यंत कुशल प्रयोग है। यह प्रतीकात्मक कविता के अर्थ को ध्वनित करने में अत्यधिक सहायक है। कविता के आरंभ में आने वाली पंक्तियां चमकती दूर ताराएं, जो हो कहीं पार में ताराएं, राम के हृदय की क्षीण आशा का प्रतीक है। इसी तरह केवल जलती मशाल में मशाल राम के हृदय की आशा और जागृत बुद्धि का प्रतीक है। इसी तरह जहां राम महादुर्गा की आराधना के लिए अनेक विग्रह की कामना करते हैं, वहां संपूर्ण पर्वत महादुर्गा का प्रतीक बन जाता है और नीचे गरजता हुआ सिंधु तट महादुर्गा की 10 भुजाओं की तथा आकाश में चंद्रमा शिव की उपस्थिति के प्रतीक बन जाते हैं। यह प्रतीकात्मक निश्चय ही कविता की अर्थ व्यंजना को अत्यधिक सहायक हुए हैं। राम की शक्ति पूजा की भाषिक संरचना के अंतर्गत अनुप्रास सौंदर्य, वाक्य विन्यास, शब्द प्रयोग तथा छंद विधान का भी विशेष महत्व है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास सौंदर्य के द्वारा निराला ने इसकी भाषा में सौंदर्य उत्पन्न किया है। राघव लांघव, रावण वारण, मलय वलय, जय जय तुरी असिय जैसे शब्दों का प्रयोग भी निराला की भाषा में मिलता है। वाक्य रचना के अंतर्गत द्वंद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सामान्यतः निराला ने इसमें 24 मात्राओं की 3 पंक्तियों वाले छंद का प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों ने इस कविता की छंद रचना को सर्वथा मौलिक मानते हुए राम की शक्ति पूजा छंद नाम दिया है। जिस तरह प्रसाद के आंसू काव्य संकलन में छंद को आंसू छंद कहा जाता है, राम की शक्ति पूजा के काव्य का अंत चरणांत में न होकर दुरांतरवाही पद्धति से अलग पंक्तियों में जाकर होता है। इसी तरह शब्द का प्रयोग के स्तर पर यद्यपि अधिकांश संस्कृत की तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, लेकिन एक तो निराला ने हिंदी की जाति प्रकृति का ध्यान रखा है और दूसरे मार्स मसाल जैसी अरबी, फारसी, कहीं कहीं हूह, लक लक, झकझक जैसे जीवन के बीच शब्दों का प्रयोग भी किया है। राम की शक्ति पूजा के अभिव्यंजना पक्ष के अंतर्गत इसके शैलीगत प्रयोग को वैशिष्ट भी उल्लेखनीय है। इसमें निराला ने जिस साहस का
कथा वस्तु के अनुसार प्रयोग किया है, विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। यह शैली गत प्रयोग निश्चय ही कविता को सघन प्रभावात्मक बनाते हैं। इस कविता में जिन शैलियों का प्रयोग है उनमें संवाद, नाटकीयता, सूत्रात्मक शब्द, संभाषण, उपदेश, स्वगत कथन की शैली, संकेतात्मक शैली आदि का प्रयोग है। संवाद शैली का प्रयोग कई जगह है। राम हनुमान से नीलकमल लाने के लिए कहते हैं, वहां जहां अंत जना हनुमान को संबोधित करती है, अंजना हनुमान को संबोधित करती है, जहां शिव शक्ति को संबोधित करते हैं, ऐसे संदर्भों में संवाद शैली प्रयुक्त हुई है। इसी तरह नाट्य शैली के द्वारा कविता को अत्यधिक प्रभावी आरंभ में बनाया गया है। रवि हुआ अस्तु, इस तरह अंजना एवं महादुर्गा का उदय भी नाटकीयता ढंग से होता है। उदाहरण, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। इस कविता के शैलीगत प्रयोग के स्वप्न शैली का विशेष प्रयोग है। मुक्तिबोध ने इसे ही फैंटेसी शैली के रूप में अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान की। आप जानते हैं हिंदी साहित्य में फैंटेसी शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले कवियों में मुक्तिबोध का प्रयोग नाम आता है। मुक्तिबोध की भूल गलती हो चाहे ब्रह्म राक्षस हो, सभी में फैंटेसी शब्द का प्रयोग किया गया है। राम की शक्ति पूजा में जहां राम को सीता की याद आ जाती है, वहां से लेकर एक लंबे अंतराल तक इस शैली का प्रयोग है। इस शैली के द्वारा कविता का प्रत्यक्ष विस्तार रुक जाता है और कविता मानसिक यात्रा के द्वारा आगे बढ़ती है, जिसमें सीता और राम के प्रथम मिलन, राम द्वारा शिव धनुष भंजन, विभिन्न राक्षसों का वध, पुनः आदि के युद्ध का घटनाक्रम का वर्णन है। यही नहीं, कल्पना बिंब के माध्यम से ही राम को सीता के प्रथम मिलन का वर्णन है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जगो पृथ्वी, तनया कुमारिका छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का ललनांतर मिलन। तुलसीदास ने लिखा है, राम का रूप निहारत जानकी कर टेक रही पलटारत। मतलब एकठक देखने की बात निराला और राम तुलसीदास दोनों ने किया है। राम की शक्ति पूजा में संभाषण शैली का प्रयोग विभीषण के कथन में मिलता है। सामान्यतः जिस तरह सामाजिक जीवन में भाषण ऊपरी औपचारिकता होती है और हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह विभीषण एक स्वार्थी राजा के रूप में आता है, जिसके उद्बोधनकारी कथनों का प्रभाव राम पर नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ देखिए, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहे जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकारी से निर्दय। उपदेशात्मक शैली की बात करें तो जामवंत के उस कथन में मिलता है जहां वे हताशा को राम को शक्ति की मौलिक कल्पना और पूजा का उपदेश देते हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो जय विजय संशयत प्राणों से प्राण पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे ध्वज। शक्ति की
करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। राम की शक्ति पूजा में स्वगत कथन शैली का प्रयोग मिलता है, जहां राम स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं, आया न समझ में यह दैवीय विधान, रामर अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। इसी तरह संकेतात्मक शैली का प्रयोग विभीषण के उस कथन में मिलता है, जहां पर उसका अंतर्निहित स्वार्थ स्पष्ट रूप से झलक उठता है। मैं बना किंतु लंका पति धिक धिक राघव धिक। सूत्रात्मक शैली का प्रयोग अगर देखें तो इसमें देखते हैं, निराला ने सूत्रात्मक शैली का भी उदाहरण दिया है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। राम को संदेह हो जाता है, जहां पर न्याय है उधर ही क्या है, संदेह है मतलब विजय है, जहां पर अन्याय नहीं है वहां पर विजय भी नहीं है। राम की शक्ति पूजा की शिल्प योजना, वस्तु योजना, भाषिक संरचना, शैलीगत प्रयोगों के विभिन्न आयामों के इस विश्लेषण से प्रमाणित होता है कि राम की शक्ति पूजा का यह पक्ष भी भाव की तरह ही संपूर्ण हिंदी कविता में प्रतिमान रचता है। निराला ने इस कविता में एक आंतरिक शिल्प का निर्माण करके कुशलता के साथ वस्तु नियोजन किया है। भाषिक रचना संरचना और शैलीगत प्रयोगों ने निश्चय ही प्रबंधात्मक शिल्प की निकटता निराला को प्रदान की है। अगर बात करें निराला की जो शैली है वह निश्चित रूप से एक अलग शैली है, एक अलग विधान है, जो निश्चित से हिंदी साहित्य में अपने आप में उन्हें महाप्राण निराला प्रदान करती है। और निराला का यही व्यक्तित्व हिंदी साहित्य का सबसे जटिल व्यक्तित्व बन जाता है। और फिर मिलते हैं दोस्तों, हम अगली क्लास में आपको राम की शक्ति पूजा से कुछ और प्रश्न आपको बताएंगे। आपको बता दें, हिंदी साहित्य जो है UPSC 2019 में सबसे अच्छे सब्जेक्टों अंश प्रदान किए हैं, ज़्यादातर बच्चे हिंदी साहित्य से सफल हुए हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को बनाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। मनोज IAS YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे यहाँ पेड क्लास के लिए भी एडमिशन लें। जय हिंद दोस्तों।